हेलो फ्रेंड्स, एक नए रिएक्शन के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एल्विश यादव की वीडियो पे। और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और इतनी सारी न्यूज़, जेल जाना, बेल मिलना, बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आ रही थी, लेकिन हर चीज़ पे तो रिएक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो यार, सच जो है वही इंसान बताएगा जिसके साथ हुआ है, या फिर कोई और, या तो उनकी फैमिली मेंबर, अदरवाइज कोई उनके नोन में हो, ऐसा मुझे लगता है। बट अभी देखो फाइनली उनका ब्लॉग आया है आई एम बैक करके, और इसको एक तरफ से मैं कमबैक ही समझू, क्योंकि इतने दिन बाद जो है आज ब्लॉग आ रखा है। और काफी समय से उनके फैंस जो है इंतजार कर रहे थे इस ब्लॉग का, आखिरकार एल्विश भाई आए और कुछ बोले करके। तो देखते हैं वीडियो, मुझे लगता है इसमें इतना दिन जो जेल में रहे, या फिर कुछ बताए इन सब चीजों को लेके, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली के साथ इन सब चीजों को भुला के आगे बढ़ने की कोई बात करे। लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। तो वीडियो जरूर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला भी था कि उनकी तरफ से अगर कोई ब्लॉग आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ मुझे लगता है, तो फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राम राम भाई, सभी को वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मिस करा मुझे नहीं करा ये तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो पहले व्लॉग रोक के ना मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट में करके बताना बताना भाई, तुम गाइस। सच्ची सच्ची सच्चे मन से कि तुमने मेरे व्लॉग को मिस करा नहीं करा। और आज हमारे साथ हमारे जिया जी भी हैं। ओ हेलो, थाईलैंड से स्पेशल आ रखे हैं। मगर मिल के आते हैं लौंडे से, साथ हैं लौंडे को लेके आते हैं साथ में। में आ गए, अब लेके भी आ गए बाहर। पर चलो जो भी हो भाई, देखो एक हफ्ता जो गया अपना, नो डाउट वेरी कोई नहीं, बैड फेज ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, सीखने को ही मिलता है। इमोशनल है थोड़ा सा। बिल्कुल, अंदर की तो चलो क्या ही बात करनी मेरे को। अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अच्छे वाला, ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो जितने मेरे भाइयों ने मेरा सपोर्ट करा उन सबको दिल से धन्यवाद। जिनने नहीं करा उनका भी धन्यवाद। जिनने बुराई करी मेरी उनका भी धन्यवाद। जिनने अच्छाई करी भाई सब उनका भी धन्यवाद। हम तो धन्यवाद कह सकते हैं सभी लोगों को। और अभी अपने काम धंधे पे वापस आ गए। जितना भी अपना नुकसान हुआ अंदर जाके वो रिकवर कर रहे हैं। उससे पहले जब दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी ना, अंदर सुविधा नहीं होती एक्चुअली बाल बुल कटाने की, तो बाल बुल कटाने जा रहे हैं साथ में दोनों जने। मगर चलो घूम के आते, गुड़गांव घूमे बहुत टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया बाहर अब निकले हमारी भी बढ़ गई भाई, दाढ़ी है हैं। पूरी, टेंशन टेंशन में पापा सारे पापा के तो दौड़े हो गए। सबसे सब ज्यादा कपड़े टेंशन धोरी में है वही डाडी थे यार, भाई, सीरियसली उनका वीडियो देखा था पार्ट मैंने। ऑफ लाइफ। मैं क्या कह तो रहा, करें, जब तू उस दिन संडे को ही, संडे को खाना छोड़ा था कॉमन ले, ना संडे खाया ना मंडे ट्यूसडे, मग भाई ऐसे तो हो जाएगा, मग चल तू। फिर वेंसडे को सुबह टिकट बुक कराई और शाम की आपने चलो सब देखना था सब भाई कुछ परेशान हो देखना जाते हैं। पर मुझे एक चीज तो पता लगी देखो इस वाले पूरे सिनेरियो में, कि अपने तो अपने ही होते हैं, नो डाउट। जो अपने लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं। एक सेकंड, एक फ़ोन आ रहा है, वो उठाऊं। तो पहले जैसे गाड़ी लेकर निकल जाते थे रातों को, वो थोड़ा मिस करा मैंने। और भी बहुत सारी चीज़ें मिस करी, अपनी दोस्तों के गल बैठना, मस्ती मस्ती। पर चलो कोई नहीं, हमें तो देखो अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है पूरा, जो होगा सही होगा। ना हम कुछ गलत कहते, ना हम कुछ गलत करते। अपने बाल कटवाने जा रहे हैं, दाढ़ी सेट करवाने जा रहे हैं, फिर गुजरात में सूरत में होली मनाएंगे। और जो जो देख रहा है भाई, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। वो भगवान ने थोड़ी कृपा बरसा दी मेरे पे, जो अपने घर वालों के साथ होली मनाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी सब तो है ठीक, तो वैसे क्या ही है। ठीक तो वैसे क्या ही है, अभी धीरे धीरे लगेगा है मम्मी पापा इन सबको, पर सब ठीक है यार, टेंशन मत ले ज्यादा। टेंशन वेंशन क्या, हम तो पानी की तरह हैं, कहीं भी डाल दो वहीं वैसे बन जाते हैं। साहब दिक्कत है सबकी ज़िंदगी में भाई, किसी के बड़ी हैं किसी की छोटी हैं। हमारे बड़ी थी छोटी थी काफ़ी बड़ी थी, काफी बड़ी थी, काफी काफ़ी बड़ी थी बड़ी। भाई सीरियसली। कोई नहीं, करते हैं, इसको भी फेस कर रहे हैं। और हम तो नहीं चाहेंगे भाई, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी दिक्कतें आए कभी जैसे हमारी लाइफ में आई। बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, इसको भी काट देंगे। टाइम है, निकल जाता है, अच्छा भी बुरा सही भी। का पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये पता नहीं कौन सा टाइम कौन सा गुजर रहा, कब तक गुजरेगा, कब गुजरेगा, कब नहीं गुजरेगा, देखते हैं। अभी अपने काम धंधे पे फोकस करते हैं, बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन लाइफ। ले भाई दाढ़ी वाड़ी सेट। बैक वेलकम है जी, वेलकम है भाई। है भाई का वेलकम है हमारा घर में, हम तो यही रहते हैं भाई यार। रहते तो हम यही है।
चलो भाई बढ़िया बाल काटने, ऊपर से भी काटने चलता थोड़ी बहुत, ऊपर से बढ़िया लग रहे दाढ़ी सेट होगी। अब क्या करना भाई, बाल बुल धोने, कर दो भाई कर दो, किधर चलना है, चलना कहीं पे, यहीं कर दो, यहीं कर दो, कोई दिक्कत कर दो भाई। भाई साहब हमारे साथ पेंगुइन है, हमारे साथ हमारा घर का खाना छोले। इनने पता क्या कर रखा था, इनने छोले भटूरे मंगाए थे मेरी आदमी खुशी में, और वही छोले मेरे तब रोटी के गल को आ रहे यार, वही प्याज है। हाय कितने कमजोर हो गए, हाथ दिखाओ अपने, जो तो मोटा होगा भाई। अरे यो बेटा छोड़ दे इसको, छोड़ दे, आजा रोटी खा ले, आजा आजा। मम्मा यो क्या है, इसे संभाल के रखो भाई, ऐसे मत छोड़ो इसको, इसे ऐसे मत, बेटा आराम से बैठ जा। ये दो किताब लेके आया हूँ वहाँ से, हटाना दिखाना इनकी, क्या लिख रहा, जीत आपकी। मैं कह रहा हूँ पानी बिखेर देगी मम्मा, बिखेर चुकी है, हाँ पानी बिखेर देगी वो बेटा। ओए ओए हीरो, ये पानी अब भी बिखेर ही रही है। कोई बात ना, पूछ दे। वाह भाई वाह, भैया बिखेर बिखेर ना ना बेटा, बिखेर दे बिखेर दे, एक काम कर सबको तोड़ दे इधर। ये भी तोड़ दे, इसे ले इसे फाड़ दे, ले ले बेटा ले, यो ना चाहिए तुझे, ले ले भाई, ताली मार दी तो इनाम है तुझे, ले इस पे ताली मार दे, ले जा जल्दी मार ताली, इनाम है वो, कर दे आटा बाटा, कर दे आटा बाटा जल्दी, चली गई भाई ये तो ना कर दे भाई, फ्लाइंग किस कर दे, फ्लाइंग किस कर दे, कहाँ गई, कुछ भी ना कर रही हो तो यो यार कोमल यार क्या सिखाया यार, कुछ नहीं सिखाया, मामा कह दे, मामा मामा बोल दे, ना कह रही कुछ, नो इनाम, नो मामा नो इनाम। ये वाली किताब देना ऊपर वाली, नीचे वाली, नीचे वाली भाई, ये वाली किताब पढ़नी शुरू करी है, प्रमोशन नहीं है, ये वाली किताब पढ़ता हूँ, भाई ने गिफ्ट करी है मुझे अंदर से ना, कह रहा भैया ये किताब जरूर पढ़ना, एक भाई था हमारे उधर, मैं कहा ये किताब जरूर पढ़ेंगे भाई, थोड़ी सी तो पढ़ी है मैंने, काफ़ी अच्छी है, और एक ये है, दो किताब दी है मेरे को, ये देखो दूसरी है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर का हिंदी एडिशन दिया, उधर हिंदी मिलती थी। मोटा तू भी पढ़ ले एक किताब, आ जा मेरे दोनों, आ जा लगी। कैसे बीते आपके सात दिन, सात जन्म की तरह। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, कम टू मी। बालगी बड़ी शरारती हो रही है, बड़ी शरारती हो रही है, आजा मोटा तू, आजा मेरे दोनों, वे अपने बालक संभाल रहे तो अपना बालक संभाल ले ले। हाँ भाई मेरी मम्मी कमजोर हो गई, बताओ, इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ। नींद ही ना आई सात दिन तक, पति छः साल से कल तक, आज सुबह तक नींद ही ना थी आँखों में, मैंने तो पूरी नींद आ रही थी। देखो हमारे साथ पैकिंग चल रही है बहुत तेजी से, एक बैग हमारा गुम हो गया, तो अभी मम्मा एयरपोर्ट पे क्या पहनना मैंने, बेटा देखो तू, तुम्हें पता होगा ना। वाह नाइस जवाब, मैं सोच रहा हूँ ये दोनों पहन लूँ, ये कॉम्बिनेशन कैसा, अच्छा बढ़िया, पक्की बात है, इसके नीचे जूते पहनो, चप्पल पहन, चप्पल पहन, ना चप्पल ना, जूते पहने कर बेटा, जूते तो मैं पहनूंगा नहीं इवेंट में, ये क्या है, तो बुरशट है ये, मेरी नहीं है मम्मा, फिर ना है पापा की है शायद, ये दोनों अलग कर दो फिर, ये दोनों अलग पहनूंगा, और पूरा बी फैमिली, ये तो अपनी वही पुरानी जींस भाई साहब, दो जींस तो ये रख ली, अभी नए कपड़े तो मैंने दूसरे घर से उठाने हैं, ये आए ना तेरे उठे कपड़े, आए ना आधे, तो कपड़े आए ना तो आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, क्या टेंशन लेते हो, थोड़े से वहाँ से उठा लूँगा, वो वाला बैग ले जाने की जरूरत तो नहीं है, वो ना ना एक ही बैग है ना। हाँ जी हाँ जी, सेम एनर्जी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, मुझे माफ़ कर देना, कभी तुम्हें लगे कि बाइक एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, बट वी आर बैक, थोड़ा पतला हो गया शायद, मैं चेक करना। अच्छा भाई मोटर, ये असली असली पतला दिखाता हूँ तुम्हें कौन हुआ, आ जाओ भाई आ जाओ,
अपनी सेहत दिखाओ, सेहत चेक कराओ अपनी, देखा डोला चेक करा दे अपना डोला। मम्मी का डोला तो बहुत बड़ा हुआ, हमारा तो छोटा रह गया। यस, पब्लिक के लिए कोई मैसेज है आपका? मैं तू ही दे लेता, मुझे ना बोलना, मुझे ना भी बोलना, इतना तो बोला है तू। मैंने देखे न्यूज चैनल पे भी बोल रही थी। पता ही ना कहाँ चली गई आवाज। पता ही ना कहाँ चली गई आवाज। नहीं आवाज कहाँ जाएगी भाई, न्यूज चैनल पे तो चट 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 बोल रही थी। और क्या तुम सुन ली? कह रही लड़ाई झगड़ा तो वो होता दोस्तों में होता रहता, घर में तो नहीं हो रहा था ना, वो सड़क पे तो नहीं हो रहा था, देख रहा था मैं कल रील में चल रही थी। क्या करते रह रहे हो आप ये सब मेरे पीछे से? मगर 7 दिन के लिए इनको छोड़ के चला गया, देख कैसी होगी बता भाई मोटे। तो जब मेरी कदर पता लगी मेरी कदर पता लगी तुझे है, 7 दिन ना दिखा तुझे मैं क्या हो गया तेरा, तो मुझे थोड़ा ढंग से रखा करो, प्यार मोहब्बत से रखा करो भैया। ठीक तक मारपीट कर रखा है, लाड़ लूड करके रखा करो, अपने दोरे रखा करो भैया। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं है, मेरा तो भरोसा कर सका है तो। अरे कैसे उदास हो रही है, हंस के तो दिखा दे भाई, इतनी हंसती रही करती ब्लॉग में। गाइस एक बार कमेंट करके बताना भाई, आंटी हंसना रही तुम्हारी, देखो हंस मोटे, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। यो क्या है, छोड़ इसने सारी चीज ले जाऊंगा भाई। हम जा रहे हैं होली के इवेंट के लिए, और अपना जो भी काम धंधा पेंडिंग रह गया था 7 दिन में जो छूटा, वो अपने वापस कैच कर रहे हैं। तो किसी को लगे कि आते ही है तो काम धंधा शुरू कर दिया भाई, और क्या करें, नहीं वो तो करना ही पड़ेगा। सही बात है, काम तो काम है ही, छूट गया था बड़ा नुकसान हो गया अपना ना पीछे से, पर इट्स ओके, घर वालों का साथ तो सारी चीज बराबर है भाई। वो अलग गाना सुना दे, अपने तो अपने होते हैं, भाई ये बात तो है। देखो मैं तुम्हें एक लास्ट में ब्लॉग खत्म करते करते एक मैसेज दूंगा कि अच्छे टाइम में बहुत लोग साथ देंगे तुम्हारा, और बुरे टाइम में तुम्हारी फैमिली साथ देगी तुम्हारा। गलत कह दी कुछ, परिवार तो साथ देगा पर तेरा साथ बहुत दुनिया ने दिया है। हम कर रहे थे, पापा कर रहे और भाई सब साथ दिया, और बच्चों ने भी उनका बहुत थैंक यू, पूरे देश ने जो दुआएं दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं देख रहा फ्यूजन कार्स वाले भाई ने भंडारा कर रखा, शेर ना शेर उसने भंडारा कर रखा, कह रहा दो दो है इस बार ठेली दो दो, वे भाई बड़े प्यारे हैं। और मेरे फैन पेजेस ने भंडारा वगैरह करवाया, भाई बहुत प्यारे हो तुम सब लोग जो इस टाइम में मेरे साथ खड़े रहे, और सभी का दिल से धन्यवाद। और तो देखो मैं इससे ज़्यादा मेरे पे वर्ड्स क्या हैं जो मैं आभार व्यक्त करूं अपना कि भाई मैं कितना प्यार करता हूं आप लोगों से, पर मैं तो धन्यवाद ही बोल सकता हूं हाथ जोड़ के कि जिनने मेरे को भरोसा रखा और भाई का साथ दिया, बहुत ऐसे प्यार मिला, बहुत प्यार मिला ऐसे टाइम में भी ना, हर इंसान खड़ा था साथ। गाना सुना दे अब कोई अब कोई गाना सुना दे मोटे, वो कर दे मूड फ्रेश कर दे कर दे। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, एक दुआ में बहुत दम है, दुआ जो प्रार्थना है करते हैं करिए, उसमें बहुत दम था, बताने ना करी कोई नहीं भाई, सब ने करी मुने मुने ना, सब ने प्रार्थना करी है। इट्स ओके गाइस, टाइम है, तुम्हारा भाई और स्ट्रांग होकर निकला, और भगवान करे और स्ट्रांग ही होते चले जाएं हम भी आप भी मेरे घर वाले भी इन चीज़ों से, तो हमें नहीं भैया सबके घर वालों को बचाएं, और चलते रहेंदे जीवन बढ़िया अपना मौज मस्ती में, वापस बैक ऑन ट्रैक अपने होली मना के आ रहे हैं भैया आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और अपना प्रोग्राम है सूरत में, आप इस ब्लॉग को देख रहे हो आज तो 25 तारीख को सूरत में, मैं इंस्टा पे फॉलो कर लेना भैया जो ना कर रहा हो वहाँ पे डिटेल दे दूँगा, आ जाना भाई साथ में होली खेल लेंगे। ओके वीडियो हो गया खत्म। तो ये था आई एम बैक करके एल्विश का ब्लॉग, इतने दिनों बाद जो आज आया था, थोड़ा सा इमोशनल इसमें लग रहे हैं, और उसकी मम्मी जो है थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल अभी लग रही हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस होता है इतना बड़ा प्रॉब्लम मैं बोलूँगी अभी फेस करके आए हैं, और मैंने इनका इंटरव्यू जो है वो देख रखा था। तो यार इंटरव्यू में ना मुझे एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि एल्विश जेल में है, चलो ठीक है वो
सभी को पता है क्या गुना था क्या नहीं था, ये भी अब लोगों को पता चल ही गया होगा। आखिरकार उसकी जीत हो ही गई है, वो बाहर निकल आए क्योंकि वो सही थे। तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया था कि मतलब जेल और यूट्यूब से एल्विश कितना कमा लेता है, ये मैंने किसी रील में देखा था, किस पता नहीं कौन से एंकर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ था। बट यार क्या था ये, मैं मतलब सुन के शॉक्ड हो गई थी उस चीज़ को। बट इट्स ओके, अब सारी चीज़ें इनकी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और नए तरीके से कम बैक हो गया है और अपना काम जो है ट्रैक पे वापस आ चुका है। नुकसान जो इनका हुआ था अब उसी की भरपाई है, उसी को सही करने में जो है लगे हुए थे। बट आज थोड़ा सा इमोशनल ब्लॉक था और एक ही संदेश था लास्ट में कि जैसा उनके साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो करके, शायद सही ही बोल रहे हैं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी और उसके बाद जेल जाना, बेल मिलना, इंटरव्यू, मतलब मुझे ना इंटरव्यू देख के इसके जब मदर फादर का जब इंटरव्यू मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वो फेस देख के ना थोड़ा नहीं सही लग रहा था ये चीज़। बाकी उनके जो हमारे फैंस देख रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो ही गए होंगे, और हो भी क्यों ना, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है एल्विश की। यार इतनी साल की मेहनत है, मेहनत है तभी, मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे अगर किसी के कोई किसी को सपोर्ट करता है या कुछ भी होना तो भाई उसकी मेहनत है वो। मैंने ये चीज़ को खुद मतलब देखती हूँ, मैं खुद समझती हूँ इन चीज़ों को, कि अगर कोई थोड़ा भी स्टार है ना उसको पीछे से लोग बोल तो देते हैं कि वो ऐसा है, ये है, वो है। हाँ नेगेटिव भी होते हैं लोग, पॉजिटिव भी होते हैं, सबका चलता है। बट उसकी मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी मेहनत को ही पहले देखती हूँ। अगर मेहनत नहीं होती तो वो यहाँ भी नहीं होता, इतना ही मैं बोलूँगी आज के लिए। और ब्लॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हैप्पी रहो, बाय गाइस।